हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट किडीज। फ्रेंड्स, मैंने अभी टीवी पर एक रिपोर्ट देखी जिसमें कोरोना वायरस के बारे में बताया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी नहीं देख पा रही थी, न्यूज नहीं सुन पा रही थी, थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए मुझे नहीं पता चला कि कोरोना वायरस कोई एक वायरस है जो इन दिनों में इसके वजह से काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वर्ल्ड में। तो मैंने अभी जैसे ही उसके बारे में एक रिपोर्ट देखी तो मैंने थोड़ा फिर रिसर्च किया और मुझे काफी डिटेल्स मिली कोरोना वायरस की, तो वही डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जितनी भी डिटेल्स मुझे मिली हैं मैंने उन सबको एक पेपर पर नोट कर लिया है ताकि जब मैं आपके साथ डिस्कस करूं, आपके साथ अपना वीडियो शेयर करूं, तो कोई भी इम्पोर्टेंट बात मुझसे मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने सबको पेपर पर नोट कर लिया है। तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। कोरोना वायरस का जो नाम है 2019 NCOV, और ये सबसे पहले 1960 में इसका फर्स्ट पेशेंट मिला था, लेकिन तब तक ये वायरस को डिटेक्ट नहीं किया गया था। और फ्रेंड्स, ये इतना खतरनाक वायरस है, इतनी खतरनाक एक बीमारी है जिसका इलाज अभी तक साइंस में नहीं है। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास अभी तक कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि एक सी फूड से जुड़ा एक वायरस है। और फ्रेंड्स, चाइना में हाल ही में इसका एक पेशेंट मिला जिसकी 5 जनवरी 2020 को फ्रेंड्स कोरोना वायरस के अटैक के कारण उसकी डेथ भी हो चुकी है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक वायरस है ये। अब ये धीरे धीरे इंडिया में भी आ चुका है, यूपी, बिहार और दिल्ली तक इसके पेशेंट्स डिटेक्ट हुए हैं और हॉस्पिटल्स में एडमिट भी हुए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इसके सिम्टम्स बता देती हूँ। बुखार, खांसी, जुखाम, गले में दर्द या खराश भी हो सकती है, हो सकता है छींके भी आती हो, निमोनिया। फ्रेंड्स, नॉर्मल बुखार में जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बुखार इस वायरस के अटैक से जो बुखार होता है वही सिम्टम्स इस बुखार में भी हो सकते हैं। तो अगर आपको कई दिनों से बुखार है तो आप उसे लाइटली ना लीजिए, लैब में जाकर जरूर अपना टेस्ट करें। और फ्रेंड्स, इसके कुछ और भी सिम्टम्स हैं, कुछ और भी ऐसे इसके पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस फ्रेंड्स, इसका शिकार ज्यादातर बुजुर्ग या फिर हार्ट पेशेंट, ज्यादा चांसेस हैं कि बुजुर्ग और जो हार्ट पेशेंट है वो इसकी चपेट में जो बहुत जल्दी आ सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कमजोर इम्यून सिस्टम वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, पहले से ही बीमार चल रहे हैं। और जो लैब में ट्रीटमेंट होगा, जो आपको टेस्ट कराना होगा, वो है नोज टेस्ट, गले का टेस्ट, आपका थ्रोट मींस, और आपका ब्लड टेस्ट इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाएगा। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपकी ये वाले टेस्ट होंगे, गले का, नाक का और आपका ब्लड टेस्ट। और इसके अलावा जो प्रिकॉशंस आपको लेनी है ताकि आप इसकी चपेट में ना आए और अपना बचाव कर सके, वो प्रिकॉशंस भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको अपने हैंड्स जो है वो विद ए गुड क्वालिटी सोप और हैंड वॉश और सैनिटाइजर से फुल टाइम क्लीन रखने हैं, दिन में 3-4 बार या फिर इससे भी ज्यादा आपने हाथों को धोइए और क्लीन रखिए। और दूसरों ऐसे कुछ लोग जिन जो पहले से ही खांसी, जुकाम, बुखार से या निमोनिया से अफेक्टेड हों, उनसे हाथ मिलाने से या उनके बहुत ज्यादा क्लोज जाने से बचिए। आप मास्क भी पहन सकते हैं और अपने नोज को और फेस को, आईज को अब बार बार टच ना करिए। हाथों में जो जर्म्स हो सकते हैं, हो सकता है उससे भी आपका इन्फेक्शन आपके फेस तक, आपके नोज तक पहुंच जाए, इसलिए बार बार अपनी आईज, नोज और माउथ पे टच ना करें। खांसते और छींकते वक्त अगर आपको स्नीजिंग हो रही है, कोल्ड से अफेक्ट हैं आप, या फिर खांसी जुकाम आपको है, तो अगर जब भी आपको छींकना हो या खांसना हो तो आप एक हैंकी का यूज कीजिए। हैंकरचीफ हमेशा अपने पास रखिए और रेगुलर यूज करिए उसका, ताकि इन्फेक्शन जो दूसरों में ना जा पाए। और एक और जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है फ्रेंड्स जो खेतों में काम करते हैं या घर से बाहर रहते हैं, जिनका एनिमल्स के साथ कॉन्टैक्ट होता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये जैसे इंसानों के लिए खतरनाक है वैसे ही एनिमल्स के लिए भी खतरनाक है, एनिमल्स भी उसे इक्वली अफेक्ट हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई एनिमल इससे अफेक्ट हो और उससे ये वायरस आप में आ जाए, इसलिए जानवरों से भी, अपने खेत में काम करने वाले जो लोग हैं वहां पर तो उनका जानवरों के साथ कॉन्टैक्ट होता ही है, तो आप उनसे भी एक प्रॉपर डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए। इस तरह से
ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिन्हें हम अपनाकर इस वायरस से अपने आप को दूर रख सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।